हेलो स्टूडेंट, मैं फिर पुनः आ गया हूँ आप लोग के समक्ष। पाराबोला का अंतिम टॉपिक बच गया था, वो था क्या कि पाराबोला बनाना है नहीं, और वो मेथड क्या था कि मेथड ओब्लॉन्ग मेथड था नहीं, रेक्टेंगल, जिसको हम लोग रेक्टेंगल मेथड भी कहते हैं, और उसी माध्यम से बना करके उसके बाद डायरेक्ट हम लोग हाइपरबोला बनाएंगे। ठीक है, तो पहले प्रारंभ करते हैं। पाराबोला कहता है कि मेजर एक्सिस हमको देता है, मेजर एक्सिस 120 है, माइनर 60 है। ठीक है, तो मेजर एक्सिस पहले हम वर्क कर लेते हैं, 120। ठीक है, और ये भी मेरा मेजर एक्सिस हो गया, और इस पे कहता है मेजर एक्सिस पे माइनर एक्सिस भी है, वो है आपका 60। एक दो तीन चार पाँच छ, ठीक है। अब इसके पैरेलल ए पे भी हम खींच देंगे, उसके बाद बी वाले पॉइंट पे भी खींच लेंगे, होगा। अब कहता क्या है कि इसके पैरेलल काम करना, देखिए सेट स्क्वायर जैसे चला रहे वैसे ही आप चलाइएगा, वर्क कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा, ज़्यादा इसमें दिक्कत परेशानी होने वाली चीज़ नहीं है। और हमारा वीडियो देख करके भी आप आसानी से घर बैठ करके भी आप बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट का है एक वीडियो, और उससे आप आसानी से बना ले सकते हैं वो जो बनाना चाह रहे हैं आप। ठीक है, तो अब क्या कहता है, जो हम लोग इलिप्स बनाए थे ओब्लॉन्ग मेथड या रेक्टेंगल मेथड, आपको याद होगा, यह मेरा 60 है, तो 12, 24, 36, 48 हो गया, और 12, 24 हो गया। अब लंबा में भी हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ये था 60, तो बारह हो गया। उसी तरह इधर भी हम वर्क कर लेते हैं, बारह हो गया। अब हम इसको मार्किंग कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 1-2-3-4, उसी तरह से मार्किंग कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 1-2-3-4,
2 डबल डैश 3 डबल डैश 4 डबल डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश हो गया। अब कहता क्या है कि वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि एक सेंटर पॉइंट से, माने सी और डी तो मेरा माइनर एक्सिस है, सारा पॉइंट को हम टच करते हुए अब क्या कहता है कि अब सेट स्क्वायर यूज करना पड़ेगा आपको, एकदम पैरेलल लाइन खींचना है। एक वाला पॉइंट एक तक, दो वाले लाइन तक, तीन वाले तक, और फोर पॉइंट जो है वो फोर तक हो गया। उसी तरह से इसमें भी वर्क करेंगे, फोर पॉइंट देखिए, लेकिन पैरेलल लाइन देखिएगा, सेट स्क्वायर यूज कीजिएगा। सेट स्क्वायर यूज करने से काफ़ी सुंदर फिगर बनता है, एकदम जीरो जीरो टॉलरेंस आएगा इसमें, थ्री तक, टू वाला टू तक, वन तक हो गया। अब आप क्या कीजिए कि इस पर एलिप्स आसानी से खींच सकते हैं। देखिए जहाँ जहाँ जो जो भी पॉइंट टच किया है, ये फिर यहाँ से घूमेगा, ये आपका पाराबोला, मेरा पाराबोला बनकर तैयार हो गया, बोला बन गया। तो ऑब्लॉन्ग में था। पहले आप बना लीजिएगा, समझिए, बार बार देखिए इसको, समझिए और बनाइए। यदि बन जाए तब आपको, आपके कॉपी में यदि बन जाए तब आकर के आप लाइक दे दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।